हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदिल, कंसेप्ट क्लासेस जयपुर से। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अभी भी काम आएगी, नाइन्थ में भी काम आएगी, टेंथ में भी काम आएगी, तीनों क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस रखती हैं ये प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये सभी में सभी ऑपरेशन में हम पढ़ेंगे। हम एडिशन में भी पढ़ेंगे, हम सब्सट्रैक्शन में भी पढ़ेंगे, हम डिविजन में भी पढ़ेंगे, हम मल्टीप्लीकेशन में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन सी टाइप्स हैं देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इनवर्स प्रॉपर्टी। ये सभी प्रॉपर्टीज जो है आपके एडिशन में भी मिलेगी, सब्सट्रैक्शन में मिलेगी, मल्टीप्लिकेशन मिलेगी और डिविजन में मिलेगी। हमें देखना ये है कि जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो होती ही नहीं होती है, सब्सट्रैक्शन में फॉलो होती ही नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती या नहीं होती, या डिविजन में फॉलो होती या नहीं होती। इसी तरह से सारी प्रॉपर्टीज़ का हम देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी किस ऑपरेशन में फॉलो होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले आप इन प्रॉपर्टीज़ के नाम लिख लीजिए, ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी से। ओके स्टूडेंट्स।